गुलबर्गा वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जनाब हबीब सरमस्त की मौजूदगी में गुलबर्गा वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ ने मिजगोरी मुस्लिम चौक पर मौजूद प्राइम प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया है। ये प्रॉपर्टी दरगाह हजरत मिस्किन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के कॉम्प्लेक्स की है, जहां इन दुकानों को पिछले 20 सालों से इलीगल कब्जा किया गया था, जिसको आज वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर लेते हुए तमाम दुकानदारों को नोटिस इशू कर 7 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड से लीगल लीज एग्रीमेंट बनाने की हिदायत दी है और इलीगल कब्जा करने वालों के खिलाफ रोजा पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ हबीब सरमस्त ने तमाम वक्फ प्राइम प्रॉपर्टीज और टॉप इंस्टीट्यूट के मुतवली और कमेटी के जिम्मेदारों से अपील कर कहा, जो कोई भी लीज रूल 2014 को इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हबीब सरमस्त, वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ के अलावा वक्फ एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हारून रशीद, खयाम पंजा, वक्फ ऑफिस अकाउंटेंट परवेज आलम, वक्फ ऑफिस सर्वेवर सदरुद्दीन और दीगर लोग मौजूद थे। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर आली जनाब हजरत अली नद्दाफ साहब के अमरा वन ऑफ द प्राइम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मिजगोरी गुलबर्गा, जो दरगाह हजरत मिस्किन शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको अपने पोजीशन में लिया है। पोजीशन में लेते हुए तमाम टेनेंट्स को हमने नोटिस इशू किया है कि आप 7 दिन के अंदर आकर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से लीगल एग्रीमेंट एज़ पर द लीज रूल 2014 आप लीज़ एग्रीमेंट बना लें। मैं इस वीडियो के ज़रिए भी मिस्किन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह कॉम्प्लेक्स के तमाम टेनेंट्स को इस बात की नोटिस देना चाहता हूँ कि अगर 7 दिन के अंदर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से मिस्किन शाह बाबा कॉम्प्लेक्स के टेनेंट्स ने अगर किसी ने भी लीज़ एग्रीमेंट नहीं बनाया तो एज़ पर दी वक्फ रूल 2014 हम उस शॉप को लॉक करेंगे और उसके साथ उसे दूसरे को अलॉटमेंट करने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ करेगी। गुलबर्गा के अंदर प्राइम प्रॉपर्टीज़ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की हैं और वो तमाम प्रॉपर्टी पर एक दो फैमिलीज़ का हक़ नहीं है बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का हक़ है। हम ये चाहते हैं कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का जो इनकम है, जो इनकम सोर्स जो जनरेट हो रहा है, उससे मिल्लत इस्लामिया को फ़ायदा पहुँचे, ना कि किसी एक फैमिली को या फिर कुछ फैमिलियों को। हमने ये मैनेजमेंट में लिया है और इसके साथ साथ प्राइम प्रॉपर्टीज़ और टॉप इंस्टीट्यूशन के तमाम मुतवलियान को, कमेटी वालों को ये अपील करता हूँ और एक नोटिस इस वीडियो के ज़रिए देना चाहता हूँ कि जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर वक्फ रूल 2000 लीज़ रूल 2014 का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा, उनकी लिस्ट रेडी करते हुए कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।